हेलो। तो आज का ये वीडियो है मेरी ज्वेलरी के बारे में। मैंने जैसे बोला था आपको कि मैं सिल्वर ज्वेलरी पहनती हूँ, मेरे पास गोल्ड बहुत कम है, मेरे पास डायमंड्स बिल्कुल कम है, नहीं है। एक मंगलसूत्र है और एक छोटे से इयररिंग्स है, वो छोड़ा तो नहीं है कुछ। फिर मेरे पास बाकी प्लैटिनम या कुछ पर्ल्स वगैरह कुछ भी नहीं है। मैं सिल्वर ज्वेलरी पहनती हूँ। मुझे ये जब से मैं ज्वेलरी पहनने लगी, मतलब कॉलेज के टाइम से मुझे ये शौक हुआ है ज्वेलरी का, सिल्वर ज्वेलरी का। तो मैं सिल्वर ज्वेलरी कलेक्ट करती गई। मेरे पास बहुत सी ज्वेलरी है अभी, तो मैं आज वो आपको दिखाने वाली हूँ। कुछ कुछ ज्वेलरी के पीसेस ऐसे होते हैं कि वो ज्वेलरी के पीसेस जो है वो एज अ ज्वेलरी पीस वो ग्रेट नहीं होते, लेकिन उसमें कुछ इमोशनल, उसमें कुछ स्टोरीज रहती है, कुछ अटैचमेंट रहती है इमोशनल। तो उसके बारे में भी मैं आज थोड़ी सी बात करने वाली हूँ। तो ये है मेरी सिल्वर ज्वेलरी। जैसे आपने देखा, ये दो है वो नेकलेसेस के जो है, वो दो बॉक्सेस नेकलेसेस के हैं। ये थोड़े से ब्रेसलेट्स और बैंगल्स है, इसमें थोड़े से नेकलेसेस और है, और ये मेरे जो इयररिंग्स है इसमें रिंग्स है। मुझे रिंग्स का बड़ा शौक है, तो रिंग्स है। तो ये सभी है। मैं थोड़ा इसके बारे में नज़दीक से भी दिखाने वाली हूँ आपको और बताने भी वाली हूँ। तो शुरू करते हैं थोड़ा सा इयररिंग्स के साथ में। तो शर्वरी नज़दीक आइए, मैं इयररिंग्स दिखाती हूँ आपको। तो ये है मेरा इयररिंग्स का बॉक्स। ये बहुत लोगों ने पूछा है कि ये बॉक्सेस कहाँ पे मिलते हैं। तो ये बॉक्सेस आप अमेज़ॉन पे देखो तो मिलेंगे, या तो किसी भी प्लास्टिक के जहाँ पे मिलते हैं, जहाँ हम बाल्टियाँ लेते हैं, या जहाँ हम लोग प्लास्टिक के डब्बे खरीदते हैं, वहाँ पे भी अगर आप पूछोगे तो ऐसे कंपार्टमेंट वाले डब्बे मिलते हैं, बहुत जगहों पर मिलते हैं। तो ये है मेरी ज्वेलरी के बॉक्सेस, इयररिंग्स के बॉक्सेस है। मैं इयररिंग्स के बॉक्सेस पहले दिखा रही हूँ। तो मुझे इयररिंग्स सिल्वर तो पसंद है ही, लेकिन इसमें मैं ऐसे कुछ पीसेस आपको दिखाने वाली हूँ जो ज़्यादा महंगे नहीं है, लेकिन बहुत सुंदर लगते हैं। जैसे ये वुडन इयररिंग्स है मेरे, ये वुड के इयररिंग्स है। ये शायद मैंने किसी एक्सेसरीज या किसी शॉप से ये मैंने उठाए थे। तो ये जो है ये मुझे बहुत पसंद है। ये खादी और कॉटन के साड़ियों के साथ बहुत अच्छे जाते हैं ये। तो ये है वुडन इयररिंग्स। फिर उसके बाद ये जो है सिरामिक के इयररिंग्स, ये मैचिंग टॉप्स के साथ बहुत अच्छे लगते हैं। ये इयररिंग्स, इसमें मेरे पास दो तीन पैटर्न है। ये देखिए, ये तरह इस तरह के इयररिंग्स, इस तरह के इयररिंग्स भी साड़ियों पे, टॉप्स पे बहुत अच्छे लगते हैं। हैंडलॉक प्रिंट के साथ बहुत अच्छे जाते हैं। ये एक है, मैंने रास्ते पे से खरीदा था बैंडा वेस्ट में। तो ये मुझे बहुत पसंद है ये। तो ये जो इयररिंग्स है ये मैंने कुछ 100 रुपये में खरीदा था। ये देखिए, बहुत प्यारा है, मुझे बहुत पसंद है ये। तो ये है। फिर उसके बाद ये मेरे फेवरेट है, ये मैंने फैब इंडिया से खरीदे थे बहुत साल पहले, बहुत साल हो गए इसको। तो फैब इंडिया से खरीदे थे ये, मैं बहुत बार पहनती हूँ। फिर मैं जयपुर जब गई थी, जयपुर में सिल्वर ज्वेलरी बहुत अच्छी मिलती है आपको पता है। तो ये जयपुर से मैंने कुछ स्टोन के इयररिंग्स मैंने खरीदे थे। ये देखिए, ये स्टोन के इयररिंग्स मैंने खरीदे थे जयपुर से। तो इस तरह के इयररिंग्स जो है वो मैचिंग आप अगर पहनोगे, जैसे ये देखिए, ये भी पिंक है। तो इस तरह का आप अगर मैचिंग साड़ी के साथ या मैचिंग कुर्तों के साथ पहनोगे तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक मेरे फेवरेट है, ये मैंने बहुत साल पहले खरीदे थे। मल्टी कलर इयररिंग्स है, ये मैंने शायद सिल्वर स्टिक से खरीदे थे। बर्ड्स है और उसके नीचे कलरफुल पैटर्न है, बहुत मुझे पसंद है ये भी। उसके बाद ये जो है ये इस तरह के स्टोन के इयररिंग्स है, सेमी प्रेशस स्टोन के। ये मेरी फ्रेंड जो है साली मराठ है, उसके ब्रांड के आद्या के है ये। और इस तरह के मैंने दो तीन कलर्स इसमें लिए हैं। ये भी मैचिंग बहुत साड़ियों के साथ या कुर्तों के साथ जाते हैं। ये भी एक मेरा फेवरेट पीस है, एंटिक पीस है, बहुत साल पहले खरीदा था। ये देखिए, बहुत अच्छे लगते हैं, एंटिक पीस है। और एक बात बताना चाहूँगी कि हम लोग जब
बोलते हैं कि मैचिंग ज्वेलरी, तो मैं एक मेरी फ्रेंड के बारे में बताना चाहूंगी। वो जो फ्रेंड है वो हर एक साड़ी पे, हर एक ड्रेस पे मैचिंग लिपस्टिक, मैचिंग ज्वेलरी, मैचिंग पर्स खरीदती है। तो मेरा खुद का ये मानना है कि हर चीज़, आपने देखा होगा मैं जब ब्लाउजेस के बारे में बोलती हूँ या साड़ियों के बारे में बोलती हूँ, तो हर एक चीज़ वर्सेटाइल होनी चाहिए। हम लोग बहुत चीज़ों के साथ वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि सिल्क की साड़ी अगर आप स्लीवलेस ब्लाउज के साथ पहनो, उस पर शैंडेलियर्स पहनो कान में, तो आप किसी पार्टी में पहन सकते हो। उसी साड़ी के साथ अगर आप लंबे स्लीव्स वाला ट्रेडिशनल ब्लाउज पहनो, उस पर ट्रेडिशनल ज्वेलरी पहनो, तो आप किसी फंक्शन में पहन सकते हो। मतलब जो शादी है या शादी ब्याह का फंक्शन है, रिसेप्शन है, उस तरह के फंक्शन में आप पहन सकते हो। तो आपके पास कम चीज़ें भी हो तो उसके साथ आप कैसे एक्सेसराइज करते हो, मिक्स एंड मैच करते हो, उस पर उसका गेटअप निर्भर करता है। अभी ये इयररिंग्स का दूसरा बॉक्स है, तो इसमें बहुत सारी ज्वेलरी आप देखोगे कि मैंने जैसे बोला मेरी फ्रेंड जो है साइली मराठे, उसके यहाँ से मैंने ली हुई है। उसकी बहुत सारी ज्वेलरी मेरे पास है, ये मैं दिखाना चाहूँगी, ये मुझे बहुत पसंद है, लोटस इयररिंग्स है ये। ये साइली के इंडियन समर के है, मैंने उसके ही समर कलेक्शन का ये पीपल का इयररिंग पहना है, तो ये उसके है। फिर उसके बाद उसका और एक मैं दिखाना चाहूँगी आपको, ये भी मुझे बहुत पसंद है उसकी। ये जो है ये ट्रायंगुलर पैटर्न है और इसको मोती लगे हुए, हैंडमेड ज्वेलरी है, तो ये भी उससे लिया हुआ है मैंने। फिर उसके बाद उसकी ये मुझे मेरे फेवरेट है, ये मैं बहुत पहनती हूँ, घुंघरू के इयररिंग्स है, हर एक घुंघरू हाथ से बना हुआ है, तो ये भी मुझे बहुत पसंद है। और मुझे थोड़े काले जो पड़े हुए हैं वो ज़्यादा पसंद है, एकदम स्टर्लिंग सिल्वर के जो एकदम मतलब ब्राइट आते हैं सिल्वर, उससे मुझे थोड़े काले जो होते हैं वो पसंद है। अभी इतने सारे इयररिंग्स हैं, लेकिन आपने मुझे बहुत सारे वीडियो में ये इयररिंग्स मैंने पहने हुए देखा होगा, तो ये शायद मेरे 10-12 साल पुरानी इयररिंग्स है। ये मैं पहनती हूँ क्योंकि मुझे बहुत बहुत पसंद है, इजी है, किसी भी ड्रेस के साथ और साड़ी के साथ जाते हैं, तो ये मैं बहुत बार पहनती हूँ। ये एक इयररिंग्स मैं दिखाना चाहूँगी, तो मेरी जो छोटी बेटी है शर्वरी, जो अभी 22 साल की है, तो ये उसके टाइम पे मैं जब प्रेग्नेंट थी तो एक फ्रेंड ने ये दिए थे मुझे, तो इसलिए ये मुझे जान से प्यारे हैं इयररिंग्स, अभी तक मैंने ये संभाल के रखे हैं। तो जैसे मैंने बोला कि इमोशनल अटैचमेंट रहती है कुछ हमें, तो वैसे इस तरह का है। तो बाकी तो रेगुलर इयररिंग्स है, आप देखते होंगे मैं जब पहनती हूँ। शर्वरी थोड़ा क्लोज दिखाइए, तो ये थे इयररिंग्स। अभी मैं आपको थोड़े से रिंग्स दिखाने वाली हूँ जिसका मुझे बहुत शौक है। तो ये सब मेरे रिंग्स हैं, ये एक पहनी है इसमें से मैंने, बहुत मतलब देखिए बहुत, ये साइली की आद्या की है कुड़ी वाली ये। फिर ये मैंने थाईलैंड से ली थी, एक्चुअली ये बहुत सिंपल है लेकिन मुझे बहुत पसंद आया था, ये थाईलैंड में गई थी मैं, थाईलैंड गई थी तो ये लिया था मैंने। फिर उसके बाद ये फिर से एक रस्ते की खरीदी है मेरी, मैंने ये बांडा वेस्ट से एक रस्ते के स्टॉल से लिया था, मुझे बहुत अच्छा लगा था इसलिए, तो ये उस तरह की है। ये मैंने जयपुर का जो आम्रपाली ब्रांड है वहाँ से ये खरीदा था, पीपल का पत्ता, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद ये भी आम्रपाली से है, ये देखिए ब्लैक स्टोन पे, ये इजिप्शियन ममी की मोटिफ है ममी का, तो ये अनयूजुअल लगा था मुझे। उसके बाद और एक दिखाना चाहूँगी मैं, ये भी मेरी जयपुर की खरीदी है, जयपुर का ये मैंने लिया था, स्टोन का है, सेमी प्रेशर स्टोन विद सिल्वर, बहुत सारी साड़ियों के साथ जाता है। और
और फैशन का सेंस हर एक का अपना अपना होता है, मतलब मैं अगर ऐसा पहनती हूँ तो आप ऐसे ही पहनोगे, ऐसा नहीं है, आप अलग कुछ कर सकते हो, अलग पहन सकते हो। तो ये रहा मेरा रिंग्स का बॉक्स, अगर एक एक दिखाते बैठूंगी तो बहुत टाइम जाएगा, तो थोड़े से मैंने दिखाए। अभी मैं आपको कुछ नेकलेसेस के बारे में बताऊंगी। तो पहले मैं कुछ अलग नेकलेसेस जो है वो दिखाने वाली हूँ। ये नेकलेस है, ये साइली के आद्या ब्रांड का है। ये हेवी है लेकिन ये आप देखोगे बहुत रॉयल लगता है। सिर्फ ये पहना आपने और कान में कुछ नहीं पहना, नाक में कुछ नहीं पहना तो भी बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए, ये उसका आद्या का नेकलेस है एक। फिर उसके बाद मैंने इस तरह उससे ही साइली से मैंने कुछ बनवा लिए हैं, जैसे ये देखिए मैं दिखाती हूँ, ये पिंक ये एक है। उसके बाद ये जो दूसरा है वो दिखाती हूँ मैं आपको। ये भी मैं, मुझे हर एक स्टोन का नाम याद नहीं है, ये देखिए। तो इस तरह के स्टोन्स के कुछ आप बनवा सकते हो, रेडीमेड ले सकते हो। तो ये है, ये इसकी याद जो है, हम लोग जब पहली बार मैंने आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल किया था तो हम लोग ब्रसेल्स में, मेरा कज़िन था तो उसके पास गए थे, और वहाँ से हमने एंटवर्प गए थे हम लोग। तो एंटवर्प से ये मैंने एक सिल्वर ज्वेलरी के शॉप से ये ख़रीदा था, इसलिए ये मुझे अजीज़ है, क्योंकि ये मेरी पहली मैंने जो ख़रीदा था पहले अब्रॉड, तो ये वो है। बहुत महंगा नहीं था लेकिन तब पैसे भी इतने नहीं थे तो तब ख़रीदा था ये। तो इसलिए मैंने जैसे बोला कि इमोशनल अटैचमेंट रहती है कुछ चीज़ों के साथ। ये जो नेकलेस है वो ना तो सिल्वर का है ना बहुत प्रेशियस है, लेकिन ये मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे दिया था उनके शादी के बाद, पहली बार राखी पे उसने मुझे ये दिया था। तो इसलिए मैंने आज वो बहुत मतलब आज वो सोनी मराठी का हेड है, लेकिन तब जब उस वो भी बहुत ज़्यादा नहीं कमाता था तो उसने मुझे ये राखी पे गिफ्ट किया था, तो इसलिए ये मुझे अजीज़ है, ये मैंने रखा है। ये एक मैं दिखाना चाहूँगी, ये मेरी मदर इन लॉ ने मुझे पैसे दिए थे एक दिवाली पे और बोला था बर्थडे पे, और उन्होंने बोला था कि आप कुछ ले लो उसका, तो ये मैंने तब लिया था, तो इसलिए ये भी अजीज़ है। ऐसे हर एक चीज़ में अपने कुछ जान अटकी हुई रहती है, तो ये तबका है। फिर ये शर्वरी थोड़ा नज़दीक से दिखाओ, मैं थोड़ा दिखाती हूँ थोड़ा सा। जैसे ये एक नेक पीस मैं दिखाना चाहूँगी, ये बहुत अलग है, ये देखिए पुराना है बहुत, ये देखिए बहुत अच्छा लगता है, मुझे खुद को पसंद है ये। तो ये है, बाकी तो शर्वरी आपको दिखाएगी। ये सब पीसेस है, मैंने कहाँ कहाँ से जमा किए हुए पीसेस है। तो ये शर्वरी दिखाएगी। तो अभी मैं आपको कुछ ऐसे पीसेस दिखाना चाहूँगी कि जो एक्चुअली बहुत प्रेशियस नहीं है, मतलब वो सिल्वर नहीं है, लेकिन वो मुझे पसंद है। जैसे ये एक मैंने रास्ते पे खरीदी किया था, रास्ते पे परचेस किया था। इसका पेंडेंट और इसका जो इसके जो ये बीड्स है, ये मुझे बहुत पसंद आए थे, तो इसलिए ये मैंने लिया था। पहना बहुत कम बार है लेकिन बहुत अच्छा लगता है ये मुझे। तो ये है एक। फिर उसके बाद जयपुर में, आपको पता होगा जयपुर में सिरामिक का काम बहुत होता है, तो मैंने ये एक सिरामिक का लिया था वहाँ से। ये देखिए ये सिरामिक का है,
बहुत महंगा नहीं है, लेकिन आप देखोगे तो ये एक स्टेटमेंट पीस हो सकता है। तो इस तरह का ये एक मैंने जयपुर से लिया था, फिर उसके बाद ये फिर से एक बार रस्ते की खरीदी, ये अफगानी नेकलेस। तो इस तरह जैसे बोला मैंने कि मुझे शौक है जमा करने का, और बहुत पुरानी पुरानी ज्वेलरी है जो मैंने संभाल के रखी है। ये एक और दिखाना चाहूँगी, ये जो नेक पीसेस है ये वर्सटाइल, बहुत इसको हसली बोलते हैं, आपको पता होगा हसली, तो ये हसली जयपुर से ली हुई है। ये एक मैंने बहुत साल पहले एक एग्जीबिशन में मैंने खरीदी की थी, ये हसली, ये एक हसली है, इसको चिताक बोलते हैं, कोल्हापुर में ये बनता है, ये ब्रास है एक्चुअली, ये नहीं है, सिल्वर नहीं है, इस तरह चिताक पहना जाता है, ये टिपिकल ट्रेडिशनल है कोल्हापुर से। उसके बाद ये वज्रटीक, ये टिपिकल मराठी नेक पीस है वज्रटीक, ये देखिए ये भी मैंने कोल्हापुर से ली हुई है, ये कोल्हापुर में बनता है। उसके बाद ये मैं दिखाना चाहूँगी, ये मैंने कुछ जयपुर से लिया है, ये थोड़ा सा अफ्रीकन टाइप का इसका जो पेंडेंट है, सर वेरी क्लोज से दिखाओ थोड़ा सा पेंडेंट, तो ये पेंडेंट जो है ये अफ्रीकन टाइप का मुझे खुद को पसंद आया था, ये भी उसी तरह का है, ये देखिए तो ये इस तरह का है। तो ऐसे कुछ नेक पीसेस है मेरे पास, तो ये रहे कुछ नेक पीस। अभी मैं आपको कुछ ब्रेसलेट्स दिखाऊंगी, तो हर एक में कुछ इमोशनल ये है, ये जब मैं 40 इयर्स की हुई थी तो मेरी जो सिस्टर है उसने मुझे ये गिफ्ट किया था, मतलब उसने पैसे दिए थे और मैंने ये उसे ये ख़रीदा था, इसलिए ये ब्रेसलेट मुझे अजीज़ है। इस तरह के कुछ ब्रेसलेट्स मैंने खरीदे किए हैं, लेकिन आपने देखा होगा मैं बहुत कम बार पहनती हूँ, हाथ में मैं घड़ी भी नहीं पहनती और कुछ नहीं, लेकिन शौक से ये कुछ चीज़ें जमा की हुई है। तो ये भी एक थोड़ा सा बीड्स का है, लेकिन अगर आप पहनोगे तो बहुत अच्छा लगता है, देखिए, तो इसलिए ये एक है, बाकी तो सिल्वर है, ये एक वुडन बैंगल है, ये ब्रास का है, ये भी एक सिल्वर का है, और ये मेरे गोल्ड मेडल्स है जो अभी काले हुए हैं, जो मुझे एमए में मैं फर्स्ट आई थी यूनिवर्सिटी में, तो उसके ये गोल्ड मेडल्स है, तो अभी ये काले हो गए हैं। तो ये रही कुछ ज्वेलरी, कुछ इमोशनल बातें। ये हमारी शादी को जब 5 साल हुए थे तो मेरे हस्बैंड ने ये मुझे गिफ्ट किया था, ये गार्नेट्स है और सिल्वर सॉरी गोल्ड चेन में उन्होंने मुझे दिया था, तब हमारे पास बिल्कुल कम पैसे थे, पैसे ही नहीं थे ज़्यादा, लेकिन उन्होंने तब ये दिया था, इसलिए मुझे बहुत अजीज़ है, इसलिए दिखा रही हूँ आपको। और एक चीज़ है, जैसे उसी टाइम में वो कभी वियना गए थे तो उन्होंने ये स्वरोवस्की का एक मुझे लाया था, तो इसमें भी मेरी इमोशनल जान अटकी हुई है मेरी, तो इसलिए ये भी मुझे बहुत अजीज़ है। तो ये थी मेरी कुछ ज्वेलरी, आपको शर्वरी ने नज़दीक से सब दिखाया होगा, फिर से वो दिखाएगी एक बार नज़दीक से ये कुछ चीज़ें। तो ये मेरी ज्वेलरी जो है ये वर्सटाइल है, बहुत चीज़ों के साथ पहन सकते हैं, अभी तो फ़िलहाल 1 साल से कुछ भी पहना नहीं है इसमें से मैंने, और इसकी जो थोड़ी सी ज्वेलरी है इससे और भी थोड़ी ऑफिस में है, क्योंकि वहाँ से मैं वीडियो करती हूँ साड़ियों के, तो वहाँ पे ज्वेलरी पड़ी हुई है, वहाँ पे मेरे नोज़पिन का बहुत बड़ा कलेक्शन है, नोज़पिन्स मुझे पसंद पहनना पसंद है, और नोज़पिन्स का बहुत बड़ा कलेक्शन वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ये थी मेरी ज्वेलरी, कैसी लगी आपको ज़रूर बताइएगा,
और मैं ज्वेलरी इस तरह के प्लास्टिक के पाउच में हर एक अलग रखती हूँ, तो वो अच्छी रहती है। मुंबई में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है और इससे थोड़ा सा ये अच्छे रखने का भी, मतलब एक में दूसरा अटकता नहीं है, नेक पीस हो या कुछ इयररिंग्स हो या, तो अटकता नहीं है, काला ज़्यादा पड़ता नहीं है और सेफ रहता है, तो इसलिए इस तरह के प्लास्टिक के पाउच में ज्वेलरी रखनी चाहिए। और एक बात बताना चाहूँगी कि प्लास्टिक यूज़ करना अच्छा नहीं है, मुझे भी पता है, लेकिन कुछ चीज़ों के लिए प्लास्टिक ज़रूरी होता है। खाने पीने की चीज़ें प्लास्टिक में मत रखिए, लेकिन ये चीज़ें प्लास्टिक में रखने में कोई हर्ज नहीं है, तो इस तरह आप प्लास्टिक में रख सकते हो तो ये अच्छा रहता है, ज्वेलरी अच्छी रहती है। ज्वेलरी जब आप साफ करते हो, सिल्वर ज्वेलरी अगर आपको काली पसंद नहीं है, जैसे ये काला पड़ा है, ये पसंद नहीं है आपको, तो थोड़ा सा टूट पाउडर या टूथपेस्ट ले लो और उससे आप ये घस दो, अच्छे से साफ कर दो, धो दो और सुखाओ और ये चमकेगा फिर से। तो बहुत इजी है साफ करना ज्वेलरी, तो इस तरह साफ कर सकते हो। मुझे खुद को ब्लैक पसंद है इसलिए मैं वैसे ही पहन लेती हूँ, बहुत अगर काला हुआ तो मैं कभी कभार साफ कर लेती हूँ। तो ये थे मेरे ज्वेलरी, आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा आपको कैसा लगा, और आपको अगर दूसरा कुछ इस तरह का वीडियो देखना है तो ज़रूर उसमें कमेंट में बताइएगा। मिलते रहेंगे, बाय।